Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will start our exercise 2.3, question number 2. Convert the following into grams. जो हमें दिए गए हैं किलोग्राम उन्हें कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स में। इसके लिए हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि कन्वर्ट वाला जब हम फॉर्मूला रखते हैं तो हमें दो चीजें बात ध्यान देनी पड़ती है कि जो चीज हमारे पास है वो पहले और जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में। अब हमारे पास दिया है 4 kg में, 4 किलोग्राम दिए हैं और कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स में। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1, जो हमारे पास है वो पहले और जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में। किलोग्राम है, अब हम क्या लिखेंगे, 1 kg इक्वल्स 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। सो हम लिखेंगे 1000 ग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म kg एंड ग्राम को जी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 1 kg इक्वल्स 1000 g, मीन्स 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम। हम लिखेंगे 1 और 1000 को कंपेयर करें तो 1000 बड़ा फिगर, मीन्स हमको लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाना है, हमको कम से ज्यादा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 g, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 4, मीन्स 4000 ग्राम्स, मीन्स 4 kg इक्वल्स 4000 ग्राम्स। नेक्स्ट नंबर बी है हमारा 25 kg को, 25 kg दिया है और उसे कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स में। रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो चीज हमारे पास है मीन्स क्या है, किलोग्राम है, हम क्या करेंगे, 1 kg इक्वल्स ग्राम्स कितने होते हैं 1 kg में, 1000 ग्राम्स। 1000 को देखेंगे, हमको कम से ज्यादा लोअर यूनिट टू हायर यूनिट जाना है, कम से ज्यादा बनाना है हमको, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 25 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 g, हम साइड में सम करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ 301 के आगे, तो हम पहले 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 5 5, 1 2 2, 25 1 2 3, वी विल राइट हियर 30, सो नंबर विल बिकम 25000। हमारा आंसर कितना है, 25000 क्या है हमारा, ग्राम्स, मीन्स 25 kg इक्वल्स 25000 ग्राम्स। नेक्स्ट नंबर सीरीज 3 kg 950 g, मीन्स 3 किलोग्राम और 950 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। अब हम क्या देखें, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 950 ग्राम्स दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे साइड कर देंगे और कन्वर्ट करेंगे 3 किलोग्राम को ग्राम्स में। रूल नंबर 1 लगाएंगे, सबसे पहले जो हमारे पास चीज है, हमारे पास के किलोग्राम दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 kg इक्वल्स ग्राम्स कितने हुए, 1 kg में होते हैं 1000, तो हम लिखेंगे 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम्स। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमें 3 kg को, अब हम देखेंगे 1 और 1000 में से 1 और 1000 में कंपेयर करें तो लोअर टू हायर यूनिट जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 kg प्लस 950 g, मीन जो हमारे 950 ग्राम्स दिए गए हैं उन्हें हमें इसमें ऐड कर रहे हैं, 3 kg प्लस 1000 g प्लस 950 g। अब हम पहले सॉल्व करेंगे 3 kg मल्टीप्लाई 1000 g, हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 किलोग्राम को, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 3, कितना है 3000 ग्राम्स प्लस 950 ग्राम्स जो हमारे ऑलरेडी दिए गए हैं, ऐड करेंगे हम 3000 प्लस 950, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं 0 5 एंड 9, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 0 प्लस 9 9 एंड 3, और आंसर इज 3950 ग्राम, मीन्स 3 किलोग्राम 950 ग्राम इक्वल्स 3950 ग्राम्स।
में. अब हम देखेंगे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और हमारे यहाँ 204 ग्राम्स ऑलरेडी हमारे पास दिए हैं, तो उसे हम पहले कुछ नहीं करेंगे और जो हमारे 4 किलोग्राम दिया है उसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1, जो चीज हमारे पास है मीन्स क्या है हमारे पास किलोग्राम है, सो हम पहले बोले कि 1 किलोग्राम इक्वल्स ग्राम्स कितने होते हैं 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम्स. अब हम 1 किलोग्राम में हम देखेंगे 1000 ग्राम होते हैं तो हम कन्वर्ट कब करेंगे कि कम से ज्यादा में हम जा रहे हैं, लोअर टू हायर मीन्स एक चीज का दिया है ज्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. कितने किलोग्राम का निकालना है हमारे पास 4 केजी का, 4 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, देन ये ग्राम है प्लस जो हमारे पास 204 ग्राम्स दिए गए हैं उसे हम ऐड कर देंगे. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 4 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम, 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 1 4 मीन्स हमारा कितना है 4000 ग्राम प्लस 204 ग्राम, 4000 ग्राम प्लस 200 ग्राम. हम 1 प्लस से स्टार्ट करेंगे 4 0 2, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2 एंड 4. Our answer is 4204 grams. Means 4 kilogram 204 grams equals 4204 grams. And grams. जो हमें grams दिए गए हैं उन्हें किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ए देखेंगे 5000 ग्राम्स हमारे पास दिए गए हैं. अब हमें इन्हें किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1, जो चीज हमारे पास है वो पहले और जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में. अब हम क्या करेंगे, ग्राम्स हमारे पास है और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम्स में 1000 ग्राम्स इक्वल्स 1 किलोग्राम. अब हम देखेंगे 1000 ग्राम्स इक्वल 1 किलोग्राम हो गया हमारा. अब हम देखते हैं 1000 एंड 1 मीन्स 1000 से ज्यादा है, 1000 ज्यादा है 1 से, तो हम क्या करेंगे ज्यादा से कम, जब हमारे पास एक की कॉस्ट दी जाती है ज्यादा ही निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जब हमारे पास ज्यादा दिया गया है और कम निकालना है एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड. सो हम क्या करेंगे 5000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स. हम साइड में सम बनाएंगे 5000 डिवाइडेड बाय 1000. आप साइड में टेबल लिख सकते हैं 1 की 1 और 0 0 लगा के आप 1000 की टेबल बना सकते हैं. स्टार्ट करेंगे 1000 की टेबल बनना तो हम 5000 जब तक नहीं आ रहे थे 1000 5000 5000, तो 5 हम क्वेश्चन में ऊपर लिखेंगे 5 एंड नीचे 0 0 0 5 एंड माइनस 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0 मीन्स 5 जो हमारा क्वेश्चन आया है वो हमारा हो जाएगा किलोग्राम एंड जो रिमाइंडर आया है वो हमारा हो जाएगा ग्राम. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 5 किलोग्राम 0000 ग्राम, या हम आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 किलोग्राम. नंबर बी 3070 ग्राम्स. 3070 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में. रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, जो चीज हमारे पास क्या चीज है ग्राम्स है और कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो ग्राम्स में हम लिखेंगे 1000 ग्राम्स इक्वल्स 1 किलोग्राम. अब हम देखेंगे रूल नंबर 2, ज्यादा से कम करना है, ज्यादा से कम करना होता है एक का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो 3070 डिवाइडेड बाय 1000. 3070 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, 1000 की टेबल बोलेंगे 1000 1000 1000 2000 2000 1000 3000 3000 1000 4000 4000. हम देखेंगे 4 तब टाइम हमने जब टेबल बोली तो ज्यादा आ गया 4000, तो हम क्या करेंगे उससे छोटा मीन्स 3000 तक लेंगे. 1000 3000 3 लिखेंगे क्वेश्चन में, 3000 लिखेंगे 3070 के नीचे 0 3, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0
7, 0 माइनस 0, 0, 3 माइनस 3, 0. अब जो ऊपर क्वेश्चन में 3 आया है वो हमारा हो जाएगा किलोग्राम एंड 0070 में 70 हो जाएगा हमारा किलोग्राम. तो हम आंसर भी क्या लिखेंगे, 3 किलोग्राम एंड 70 ग्राम. नेक्स्ट नंबर 645 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में. तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास है मीन्स ग्राम्स दी गई, तो पहले वो लिखेंगे 1000 ग्राम्स इक्वल्स 1 किलोग्राम. अब हम देखेंगे 1000 ज्यादा है और 1 कम है, मीन्स ज्यादा से कम, हायर टू लोअर की तरफ हमें जाना है. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. देन डिवाइड करेंगे 2645 डिवाइडेड बाय 1000. हम सम बनाएंगे 2645 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 की टेबल बोलेंगे तो कितना आएगा, 1000 2 जार 2000 1000 3 जार 3000 3000 ज्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, उसे छोटा रखेगा, मीन्स 2000 1000 2 जार 2000. तो हम 2 लिखेंगे ऊपर एंड 2000 हम लिखेंगे 2645 के नीचे, वन स्पेस से स्टार्ट करते हुए 0 0 0 एंड 2. 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0. अब जो क्वेश्चन हमारा 2 आया है वो हमारा हो जाएगा किलोग्राम एंड 645 हमारा हो जाएगा ग्राम. तो हम आंसर लिखेंगे 2 किलोग्राम 640 ग्राम्स. Students, you have to practice all these questions in your notebook.